बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट को, एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 4129। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन एक्सप्रेशन को देखा था कि बूलियन एक्सप्रेशन से हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे बनाते हैं। हमने कोई दो या तीन प्रूफ किए थे जिसमें हमने एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन को बनाने की प्रैक्टिस की थी। स्टूडेंट्स, हम सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाह रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर हम दोबारा से सर्किट बना देते हैं। तो ये तीन स्टेप्स के बाद हम जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से एक सिंपल सर्किट की तरफ चले जाते। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रूफ्स देखे थे बूलियन एक्सप्रेशन के कि जिससे हम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से एक सिंपल फॉर्म में चले जाते हैं। हम इस लेक्चर में भी इसी तरह करेंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, और सिंपल इक्वेशन से हम एक सिंपल छोटा सा सर्किट बना लेंगे। तो इसकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सपोज हमें ये एक सर्किट दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या पूछने वाला आपसे पूछ लेगा कि ये एक गिवन सर्किट है, आप इसका एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये एक बड़ा सर्किट है, इस सर्किट से आप एक सिंप्लीफाइड इसी सर्किट का बिल्कुल इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएं। तो किसी भी एक गिवन सर्किट से एक सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बनाना है? अवर फर्स्ट स्टेप इन सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? वी मस्ट राइट अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट। हम एक सर्किट का सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमें अगर एक सर्किट दिया हुआ है, हम एक सर्किट को सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं इसका? आवर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन का, गिवन सर्किट का एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो गिवन सर्किट का बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसकी हम लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। लेट्स डू अगेन। ये देखें, हमारे पास ये एक गिवन सर्किट है, हमें गिवन सर्किट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये वाला सर्किट है, सर्किट से हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो सर्किट से इक्वेशन सिंपल है, ये देखें, ये और ये देखें, यहाँ से ये बी आर है, ठीक है। तो व्हेन ये दो इनपुट्स ए और बी जब ये एंड गेट से गुजरती हैं तो ये हमारे पास, ये देखें, एंड गेट की आउटपुट ए बी आती है। इसी तरह
ये देखें, यहाँ से आ रहा है बी, ठीक है, ये बी आ गया, और ये कौन सा दूसरा आ रहा है, सी, तो ये सी आ गया। तो बी और सी जब और गेट पे जाते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है ये बी प्लस सी। इसी तरह ये इस गेट पे आएंगे, इस गेट में क्या है जी, ये देखें, ये बी इनपुट आ गया एक, ये आ रहा है ये वाला इनपुट बी आ गया, सॉरी सी आ गया, ये इनपुट सी आ गया, और ये कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, ये बी आ गया। तो एक्सप्रेशन क्या बना, ये जब एंड गेट में बी और सी जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे बी सी आ गया। तो ये देखें, हमने फर्स्ट स्टेप में ये देखें इन गेट्स की आउटपुट हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम ये आउटपुट बनाएंगे और उसके बाद हम कंप्लीट आउटपुट सर्किट की बना लेंगे। सो इन द फर्स्ट स्टेप हमने ये देखा। आगे अब हमने ये एक्सप्रेशन तो बना लिए, ये देखें ये एक्सप्रेशन तो आ गए। अब ये देखें बी प्लस सी और ये बी सी वाला इनपुट एंड गेट में आ रहे, तो क्या होगा, बी सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। ये देखें ये बी सी आ गया और ये बी प्लस सी आ गया, तो ये बी सी इंटू बी प्लस सी, ये यहाँ पे हमारे पास एक ये आउटपुट आ गया। ओके तो ये बी प्लस सी यहाँ पे, बी प्लस सी यहाँ पे आया और ये ए बी आ गया। तो स्टूडेंट्स आउटपुट क्या आएगी, इसकी क्या होगी, ए बी ठीक है, और साथ में ये और गेट है तो ये प्लस होगा, ठीक है, फिर ये बी सी इंटू ये पूरे वाला बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई है कि ये एक इनपुट ए बी था और एक इनपुट ये बी सी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ये वाला था, तो ये जब दोनों को इकट्ठा किया तो ये बन गया ए बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम एक सर्किट की इक्वेशन बनाएंगे, एक सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसा कि हमने अभी एक सर्किट था, ये गिवन सर्किट है, ये देखें ये एक गिवन सर्किट है, हमने इस गिवन सर्किट की सबसे पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन बनाया, सबसे पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन। तो जब कभी किसी भी एक गिवन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप सिंपल करना चाहें तो सबसे पहले आप सर्किट की एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाएंगे। सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये देखें, आउटपुट जो है हमारे पास ए बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बूलियन रूल अप्लाई करके, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन ये वाली हमारे पास आउटपुट पे किसी भी सर्किट, ये देखें ना, हमारे पास एक गिवन सर्किट है उसकी ये एक
ये एक इक्वेशन आई थी आउटपुट। अब हम इस एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को, इस एक ये जो लेंथी इक्वेशन है, कॉम्प्लिकेटेड ये जो एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन को अप्लाई करके। ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो है वो सिंपल इक्वेशन कैसे बनती है? बाय अप्लाइंग बूलियन फार्मूला, बूलियन एक्सप्रेशन। हम बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे और फिर ये सिंपल होगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाई करते जाएंगे, इक्वेशन हमारी सिंपल होती जाएगी। लेट्स डू इट। ये देखें, ए बी है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास ए बी ऐसे ही आ गई है। ये हमारे पास, अब ये बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी, ये हमारे पास बन गया बी बी सी। नाउ नाउ दिस बी सी मल्टीप्लाइड बाई दिस सी, तो हमारे पास बन गया बी सी सी। अब वी हैव द बूलियन रूल, द सेम क्वान, अगर ए मल्टीप्लाइड बाई ए हो तो हमारे पास ए ही आ जाता है, मतलब स्क्वेयर वगैरह नहीं होता बूलियन एक्सप्रेशन में। ए मल्टीप्लाइड बाई ए मस्ट बी इक्वल टू ए। तो बाई यूजिंग ये दिस रूल, ये रूल अगर इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास ये बी बी जो है ये बी बन जाएगा, और ये जो सी सी है ये सी बन गया। तो ये देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस ये बी सी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब देखें, ये बी सी और ये बी सी, ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है हमारे पास, ये बूलियन रूल है, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें। तो बी सी प्लस बी सी इक्वल टू ये बी सी आ गया। तो ए बी प्लस बी सी ये आ गया, ए बी प्लस बी सी। ये देखें, अब इनमें से बी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ए प्लस सी। तो ये देखें, हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी। ये देखें, ये हमारे पास एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, और इसको हमने बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक सिंप्लीफाइड छोटी सी इक्वेशन आ गई। अब ये जो बड़ी इक्वेशन है, इसका सर्किट जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये सर्किट था बड़ी इक्वेशन का। बड़ी इक्वेशन जो थी उसका ये सर्किट है, और अब ये बड़ी इक्वेशन से ये छोटी इक्वेशन बन गई, अब हम इसका एक सर्किट बनाएंगे। ये देखें, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन थी वो ये थी, बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है, बी इंटू ए प्लस सी। और ये देखें, एक हमने लिया बी और ए प्लस सी, तो ये बन गया बी इंटू ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि एक हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, इसकी ये एक इक्वेशन थी, और अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई, एक सिंपल सर्किट आ गया। ये देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और ये सिंपल सर्किट है। ये देखें, एक ये सर्किट और एक ये सर्किट।
ये सर्किट हमारे पास गिवन सर्किट था, इस सर्किट को हमने सॉल्व किया, हल किया, और इस बड़े सर्किट से हमने एक ये छोटा सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट की फंक्शनैलिटी और इस सर्किट की फंक्शनैलिटी एक जैसी है, ये दोनों सर्किट एक जैसे, दोनों सर्किट बिल्कुल सेम हैं, बस ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसकी इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। हमने बूलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन पे अप्लाई किया, बूलियन एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई, उस इक्वेशन से हमने ये सिंपल सर्किट बना दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से सॉरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से हम एक सिंपल सर्किट की तरफ जा सकते हैं। इस सर्किट की जो आउटपुट, जो सर्किट, जो ऑपरेशन, जो काम ये सर्किट करेगा, जो काम, जो फंक्शनैलिटी ये सर्किट परफॉर्म करेगा, ये इक्वेशन परफॉर्म करेगी, बिल्कुल वही ऑपरेशन, वही काम ये सर्किट करेगा। तो ऑब्वियसली बजाय इसके कि हम ये बड़ा सर्किट बनाएं अपनी मशीनरी में या कहीं पे भी, ये बड़ा जो सर्किट हम लगाएं, हम यही काम सेम फंक्शन एक छोटे सर्किट से भी ले सकते हैं, तो हम ये छोटा सर्किट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक बड़े सर्किट से एक छोटे सर्किट की तरफ आ जाते हैं। दीज टू सर्किट्स आर एग्जैक्टली इक्वलेंट इन फंक्शनैलिटी, इन दोनों की फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी बात को फिर रिवाइज करता हूँ कि हम एक सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन सर्किट की एक इक्वेशन लिखें, एक बूलियन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, फिर हम जो बूलियन एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाती है। हम फिर इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन से एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं जो कि बिल्कुल बड़े सर्किट जैसा ही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अभी किया एक गिवन सर्किट से एक इक्वेशन बनाई, फिर एक इक्वेशन को हमने बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और फाइनली जब हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन की फॉर्म मिल गई, ये देखें ये वाली, तो फिर हमने इस इक्वेशन से एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन सर्किट बना दिया। तो इस तरह से हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से एक सिंपल सर्किट की तरफ आ गए, और दोनों सर्किट्स एक जैसी फंक्शनैलिटी, यानी कि दोनों सर्किट का काम बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन अनदर प्रैक्टिस। हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी हुई है, हम इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से एक सिंपल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। हाउ कैन वी डू इट? लेट्स स्टार्ट इट। वी हैव द इक्वेशन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस ए सी। ये एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसका सर्किट भी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बाय अप्लाइंग द बूलियन लॉ। अब ये देखें, ए प्लस ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हमें पता है, अभी हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि ए प्लस ए बी तो ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखें,
ए प्लस ए बी डेट मस्ट बी इक्वल टू, ये तो ए के बराबर होता है तो हम इसकी जगह ए लिख देंगे। ये देखें, और ये ए आ गया, बाकी बी सी प्लस ए सी। अब ये देखें ए प्लस ए सी, ये दो आ गया, तो ए प्लस ए सी जो है, ये देखें ए प्लस ए सी ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है, और इसी तरह ए प्लस ए सी इक्वल टू ये भी ए होगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली सिंप्लीफाइड इक्वेशन इसकी आज, ये देखें ए प्लस ये ए सी इक्वल टू ए होता है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, डेट इज़ ए प्लस ये वाली। इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से हम एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन पे आ गए। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ये देखें, ये भी हमारे पास ऐसे हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स, आई विल रेफर यू द बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मॉरिस मैनो। स्टूडेंट्स, डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो ये आपकी रेफरेंस बुक है। इफ़ यू नीड द रीडिंग मटीरियल तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करें कि आप इनको प्रैक्टिस करें। ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आप इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें, ये यू नीड टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, आप इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।